Yes. So in our video where I almost died in Himachal, we tried this amazing thing called Mori. So जब हम एडवेंचर के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे हमें कुछ लोकलाइट मिले हिमाचल के, उन्होंने हमें ट्राई कराया मोरी जो हिमाचल का लोकल अल्कोहल है एंड इट इज वन ऑफ द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल। और इसको आप नीट ही पियोगे, पानी नहीं डालोगे। आप पूरी नहीं पी पाएंगे इसको। आई वाज आउट डूड, आई वाज आउट, आई हैड लाइक टू और थ्री सिप्स एंड मेरे को कंधे पे लेके जा रहे थे वो लोग। एक सिप ज्यादा नहीं भाई, इसके तो आंसू निकल गए थे। अपनी आंखें दिखाओ। वेट ये आप देखने मेरे को। सो वी थॉट कि व्हाई शुड ओनली वी हैव ऑल द फन एंड दैट इज व्हाई हमने मोरी मंगाई है दिल्ली में एंड आज हम ट्राई कराएंगे ओकेटेशन एंकर्स को मोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखो क्या होता है। अरे Shishti, बेटा पापा आ गए हैं। सुनते हो जस्ट यू स्टार्ट क्राइंग। इसका मतलब दारू बहुत अच्छी है। गाइस इसमें 90 प्लस आए। तुम्हारा भाई है? हाँ मेरा भाई है। तो आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। भाई 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 भाई, भाई। Hey guys, what's up? And this is Tejo. And Tejo ka debut hai aaj OK Test mein. So Tejo, how do you feel? Kafi dhamakedar. Mujhe lagta hai debut hone wala hai kyunki India's strongest alcohol with 90% alcohol content. Itna content to hum nahi dete jitna alcohol unhone dal diya hai uske andar. And is video mein main isliye hu kyunki actually koi aur anchor tha hi nahi. Ye sahi hai, matlab yaar ye tumne experience kiya hai to tum. To main nahi bol raha hu, ye pila raha hai mere ko. Ye OK Test wale mujhe pila rahe hain. To actual review mere mein se niklega aaj. मम्मी पापा ये ओकेटेशन वाले मुझे पिला रहे हैं। जितने फैन से मिला हूँ सब लोगों का यही सवाल था कि यार वो दारू की कोई वीडियो नहीं आ रही है अपनी। तभी हमने सोचा कि चलो इसी बहाने दारू पीते हैं, क्योंकि वैसे तो हम नहीं पीते। सबसे खतरनाक दारू अपने कौन सी पी है? एब्सिंथ जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग दारू होती है एंड इट इज लाइक 70-90% अल्कोहल परसेंटेज। ओके, बट जो हम दारू लाए आज मोरी फ्रॉम हिमाचल, जिन्होंने बनाया है, क्योंकि ये घरों में बनता है, सो दे आर सेइंग कि दिस इज 90 प्लस। वो तो पता चलेगा ना 90% है कि नहीं है। मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। चलो ठीक है, आई थिंक अब हमें ट्राई करना चाहिए। कितना बात कर लिया हमने, है ना? यस। आर यू रेडी? यस, सुपर एक्साइटेड। आई एम सुपर नर्वस, लेट्स गो। ये इतनी देसी है कि इसकी कोई बोतल नहीं है, ये घरों में बन के आई है स्पेशली। ये अंदर से जितना शरीफ लग रहा है नहीं उतना है, बिल्कुल नहीं है। दिस इज स्ट्रॉन्ग। हम बचेंगे ना इसको पीने के बाद। दिस इज स्मेलिंग लाइक व्हिस्की। स्ट्रॉन्ग विस्की की स्मेल मुझे नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वही फ्रूट इंड्यूस्ड अल्कोहल है ये। इसमें कहते हैं कि 90% अल्कोहल है और जेट फ्यूल में जो ऐसा हवा जहाज में चलती है उसमें 80% होता है। I can't believe. तो अगर जेट फ्यूल वैसा पावर देती है तो ये हमें कैसा पावर देगी? जस्ट थिंकिंग। शॉर्ट ग्लास दे दिए हैं, यू कैन सी। मेरे मुंह से उड़ गया। नहीं कह सकते, मैं इतना बुरा नहीं है यार। सृष्टि, बेटा पापा आ गए हैं। सुनते हो जस्ट यू स्टार्ट क्राइंग। दिस इज 90% भाई, दिस इज 101%। स्पिरिट है ये, पता नहीं दो तीन शॉट के बाद क्या होगा। भाई मैं नीट नहीं पी रहा हूँ, आई नीड टू डाइल्यूट, कम ऑन। But the good thing is ये, because I think इसमें इतना ज़्यादा alcohol percentage है, तो ये ना गले में लग नहीं रही है। उससे पहले ये I think मतलब 90% alcohol है तो मेरे ख्याल से लगना चाहिए यार गले में। ये तो एकदम smoothly निकल जा रही है। I think ये ज़्यादा जल्दी evaporate हो जाएगा। मतलब इसमें high बहुत हो जाओगे लेकिन आपको कोई taste नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि जौ से बनाया है, बारले से बनाया है, बट इसमें बारले का कोई taste आई नहीं रहा। या तो जिसने बनाया होगा वो intern होगा। मुझे नीट नहीं पीना है। तू पी एक और बार। तू पी, बिल्कुल पी नीट। अरे थोड़ा और लेना। ये टिकी नहीं रहा यार भाई, मत। क्योंकि मैं तो बेवकूफ नहीं बनने वाला। मेरे साथ बहुत सारे प्रैंक हो चुके जिंदगी में। करो प्रैंक तुम। अगर तुम लोगों ने इसमें पानी मिलाया है इस दारू में। भाई इसमें कोई पानी, तुम्हारे सामने अभी ये जो नीट था ठीक है, लेकिन तुमने पिया है यही ये वाली। हाँ एंकरिंग फेल्ड मी। मैं नहीं बता सकता इसका टेस्ट। इतने साल का एक्सपीरियंस वेटरन बंदा बोल रहा है तो मेरे से क्या पूछ सकता है। ये जो मोरी है ये 21 साल पुरानी मोरी पी रहे हैं अभी। 21 साल पुरानी दारू है, मेरे से फिर भी 9 साल छोटा है। Have you had local daru kabhi? I had once basically Kerala mein. So Kerala mein the coconut tree ke upar wo do matke ke upar rakha hota hai basically. Aur phoda fresh bhi gaya. Kaisa tha? It has some taste to it. Ha ha. The problem with this is iska real taste bahar nahi aa raha.
मे बी थोड़ा और पीने को आ जाए। एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मैं, कितने देर में उड़ेगा? 3, 2, 1, 1 It's vanished. I'm not even kidding. तो सोचो मुंह में डालने के बाद क्या होता होगा? ऐसा फेस वॉश करते हैं? फेस वॉश कर नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट के ऊपर वीडियो नहीं, हम मिक्सर्स ले आते हैं यार। अरे तुझे पता है वैसे उसने स्प्राइट और ये क्यों दिया था? ताकि इसे डाइल्यूट करके पी सके हम लोग। अब हम ट्राई करने वाले हैं टॉनिक वाटर के साथ। कितना कड़वा है ये। आए हाय, why do people drink this? मैं उनमें से हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत मीठापन चाहिए ऐसी ज़िंदगी में। Yeah, this I didn't like it. Like, don't mix. Yeah, yeah. Tonic water and Mori. No, कहीं नहीं जा रही। अच्छा ये बोलो, पके पेड़ पे पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तुम नहीं चढ़ी है। बट हाँ, हमने ये सुना है कि हिमाचल में जो लोग अपने घर पे दारू बनाते हैं और स्टोर करते हैं, तो शादी ब्याह कुछ भी ओकेजन हो तो ऐसा निकाल के थोड़ा 21 साल पुराना और 23 साल पुराना निकाल। बट हमारे उधर थोड़ा कल्चर उल्टा है। जैसे हिमाचल में वो लोग दारू बना रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है तो गर्मी देता है, राइट। बट ईस्ट बेल्ट में उड़ीसा बिहार झारखंड वहाँ पे जो हांडिया होता है या ताड़ी होती है, वो लोग गर्मी को बीट करने के लिए पीते हैं। इट्स लाइक अ रिप्लेसमेंट ऑफ बियर, इट्स अ राइस बियर। अरे यार मेरे को स्टोरी बताने दो। हाँ तो फिर हमने कोशिश बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये तुम्हारी गलती नहीं। अरे पानी पियो, पानी पियो। अरे मोरी मुझे अजय का देख लो। तो पार्टी में ऐसा अगर ये मिले तो पिएगा? मैं तो नहीं पीऊंगा पार्टी में कभी। शिमला वाले पहाड़ और हो जाते ना, ओहो, फिर तो मैं ऐसी दुआएं देता ना, सब लोग करोड़पति तो होते ही। पहाड़ नैनवाल भाई, मैं तो इतना शौकीन हूँ ना पहाड़ का, मैं तुम्हें क्या बताऊँ सृष्टि, मैं तो चाहता हूँ मैं एवलॉन्च में दब जाऊँ। अगर दारू हमारे बीच में ना होती तो तुम्हारे लिए पार्टी होती क्या? फॉर मी अ पार्टी वुड बी लाइक घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाना एंड देन वॉचिंग अ गुड हॉरर मूवी ओवर पॉपकॉर्न एंड कोक। इसी बात पे स्प्राइट गिर गई यार, बुरा मान गया। सो आई हैव अ स्टोरी, आई थिंक सो सैटरडे या सैटरडे मैं बस निकल रहा अपने रूम से ऐसे सोच के, मम्मी इज लाइक दारू वारू थोड़ा पीना कम कर दे। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया। मैं रात को बैठ गया, I was watching some show and I was having पूरा, it was a hectic week. I don't know how parents know everything. Mom 1, Tejo 0. Oh yeah, I agree with that. Like what else do I do? Like, should I fake that I'm okay? Should I fake that I'm not okay? अब तो धीरे-धीरे हिमाचली बन रहा हूँ मैं अंदर से। ये बेस्ट है। किन्नौरी बन रहा हूँ अंदर से। अब कुछ नहीं हो रहा मैं। नहीं, I'm used to it now. मैं अपनी विश बता रहा हूँ बेसिकली कि अगर मैं मर जाऊँ कल को तो मेरे लिए जो खाना बांटा जाए वो है चिली पनीर, वो भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से लखनऊ से, महेश मानसरोवर मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। व्हिच ड्रिंक इज इट क्लोजेस्ट टू जो आज तक पी है तुमने? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक एब्सिंथ। थिंक मैंने पी है, तो ये एब्सिंथ के काफी पास है, वैसे ही थोड़ा सा फ्लेवर इसमें डाला गया है एंड बहुत सारा अल्कोहल कंटेंट वही है। एंड मुझे लगता है अल्कोहल के साथ में ना, लाइक विदाउट अल्कोहल यू एंजॉय मोर। अल्कोहल हेल्प्स यू बिकॉज़ फॉर मी मैं अपने आप को मैंने बहुत रिस्ट्रिक्टिव कर रखा है क्योंकि मुझे पता है यार सामने वाले को कितना सुनना चाहिए कितना नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अल्कोहल मेक्स मी फ्री। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ फिर हल्का फील करता हूँ और एंजॉय करता हूँ। जो हिमाचल की दारू जो फेमस है वो है लुगड़ी, लुगड़ी और दूसरी है झोल फेनी। अब वो गोवा की है। बट मुझे लगता है हमें एक्चुअली एक वीडियो के लिए केरला जाना चाहिए। यस
फ्रेश जहाँ से तौड़ी निकलता है वहाँ पे बैठ के यू शुड ट्राई तौड़ी. बट आई हैव हर्ड कि अगर अल्कोहल इफ यू आर हंगओवर यू शुड हैव वन मोर पिक. वो बातें हैं. वेलकम टू ओके साइंस लैब. साइंस लैब यस, जहाँ पे हम अभी अल्कोहल को जलाने की कोशिश करेंगे अपने हाथों में लगा के. आराम से पता नहीं चल रहा. नहीं चल रहा. 100% अल्कोहल. ये पक्का, ये पक्का इंटर्न ने बनाया. मैं तुमसे बोल रहा था. मैं ये बढ़िया है. मैं फेंकू यार. केरला के बारे में आज मैं पढ़ रहा था बेसिकली लोकल दारू तौड़ी और ये सब के बारे में. तो मैं एक जगह पढ़ा कि केरला में तौड़ी से इडली और अप्पम बनता है. है? हाँ. Guys, I am that generation of Kerala जो सिर्फ दुबई और वहाँ जाते हैं. मैं बस यहाँ रह गया, दुबई तक पहुँच नहीं पाया मैं. क्लियरली चीजों को पता नहीं. अगर आपको पता कि एक्चुअली बनता है तौड़ी से इडली और अप्पम तो प्लीज बताना. Dude, I really want to try. Sounds interesting, right? It sounds very interesting. ठीक है भाई, I think I am done. This is my last pack. इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता. Not possible. पूरी बोतल खत्म करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि मोरी ने हमें ये प्रूव करके दिखा दिया कि या तो हम 90% अल्कोहल के लायक है या फिर ये 90% अल्कोहल है ही नहीं. I loved being paired with you. भाई मजा आ गया. मजा आ गया. मैं ऐसा लगा नहीं कि तीजो के साथ बैठ के पहली बार मैं पी रहा हूँ. ऐसा लगा ही नहीं. आई एक्चुअली एंजॉयड इट. दारू बहुत अच्छी है. Yes. अगर आप डाइल्यूट करके पियो प्लीज नीट मत पीना. मत पीना. मेरी बात मानो, लिख लो. सो आई वुड रिकमेंड मोरी एंड दिस सोडा बिकॉज द टेस्ट रिमेन्स बट थोड़ा डाइल्यूट करके. मतलब जहर नहीं पी रहे ऐसा लगेगा. फेर, फेर. और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और लोकल दारू ट्राई करें जिसका आपको विश्वास है कि हाँ ये तो भाई तुम्हारी फाड़ ही देगा तो वो बता देना. जल रहा है पेट? जल रहा है यार पेट में. कुछ तो हो रहा है. मैं पता नहीं पा रहा क्या हो रहा है. वो गैस. 30 साल की उम्र में गैस. ब्लोटिंग. ब्लोटिंग. ओके लेट्स यूज अ फैंसी वर्ड. ब्लोटिंग. या ब्लोटिंग. आई रियली लव द वाइब ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको भी पसंद आए. और अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हिच अल्कोहल शुड बी ट्राई नेक्स्ट. शराबी दोस्तों को टैग तो करो. एग्जैक्टली. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ओके टेस्टेड. ठीक है चलो अगली बार मिलेंगे किसी और अल्कोहल के साथ, कुछ खाने के साथ, कुछ ट्रैवल के साथ. ठीक है बट आपको मजा आएगा. बाय.